हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माई सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज आंसर्स ऑफ चैप्टर 5 एंड चैप्टर नेम इज फ्रेम्स एंड सिंबल्स। सी, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, व्हिच की शुड बी प्रेस्ड टू इंसर्ट अ की फ्रेम, मीन्स एक की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस की जानी चाहिए। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F6। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी F6। नेक्स्ट, इट इज द स्पीड एट विच द एनिमेशन इज प्लेड, मीन्स वह स्पीड जिस पर एनिमेशन प्ले होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सिंबल, ऑप्शन बी एनिमेशन रेट, ऑप्शन सी फ्रेम रेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेम रेट। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड इन द मूवी, मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो मूवी में स्टोर्ड होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सिंबल, ऑप्शन बी एनिमेशन रेट, ऑप्शन सी फ्रेम रेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंबल। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एनिमेशन रिक्वायर्स कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट इनटू सिंबल्स, मींस किस टाइप के एनिमेशन में ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। ऑप्शन ए मोशन ट्वीन, ऑप्शन बी शेप ट्वीन, ऑप्शन सी फ्रेम बाय फ्रेम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोशन ट्वीन। नेक्स्ट, इज द कॉपी ऑफ अ सिंबल प्लेस्ड ऑन द स्टेज एरिया, मीन्स यह सिंबल का कॉपी होता है जो स्टेज एरिया पर होता है इसे कहते हैं। ऑप्शन ए इंस्टेंस, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी फ्रेम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंस्टेंस। सी, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर टाइप्स ऑफ सिंबल्स, मीन्स सिंबल्स कितने टाइप के होते हैं। यहां पर आंसर होगा 3, यहां पर आपको फिल करना है 3। ओके, नेक्स्ट, कैन बी रीयूज्ड अगेन इन द एनिमेशन एंड आल्सो इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ एनिमेट फाइल्स, मीन्स जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं एनिमेशन में और उसको यूज करने से एनिमेट फाइल की साइज भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसका आंसर होगा सिंबल्स। नेक्स्ट, द रनिंग सीक्वेंस ऑफ फ्रेम गिव्स एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट एंड इज नोन एज, मींस जब फ्रेम्स को एक सीक्वेंस से रन करते हैं तो उससे मूवमेंट का जो इल्यूजन हमें दिखता है उसे कहते हैं एनिमेशन और मूवी। ओके, नेक्स्ट, There are types of twinned animation. Twinned animation के types हैं, कितने type के हैं? 2. Okay. Next, a is a single picture in the sequence of pictures. Means sequence of pictures में से single picture को क्या कहते हैं? इसका answer होगा frame. Next, refer to special effects in animation that ट्रांसफॉर्म्स वन शेप इंटू एनोदर शेप, मीन्स स्पेशल इफेक्ट है एनिमेशन में जो कि एक शेप को दूसरे शेप में चेंज करता है इसे कहते हैं शेप ट्विनिंग। ओके, नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। प्रेस F8 टू इंसर्ट अ फ्रेम, मीन्स एक फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए F8 प्रेस किया जाती है तो ये होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, द फाइल साइज इज रिड्यूस्ड व्हेन सिंबल्स आर यूज्ड इन मूवी, ये ट्रू है, जब हम सिंबल्स का यूज करते हैं मूवी में तो फाइल की साइज रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, ओनली वन इंस्टेंस ऑफ सिंबल कैन बी क्रिएटेड, मींस एक सिंबल का केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं तो ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट, मोशन ट्विनिंग वर्क्स ऑन सिंबल्स, मोशन ट्विनिंग सिंबल्स पर वर्क करता है, इसका आंसर है ट्रू।
नेक्स्ट, सिंबल्स क्रिएटेड इन इनमेट आर स्टोर्ड इन प्रॉपर्टीज पैनल, मीन्स जो सिंबल्स क्रिएट करते हैं इनमेट में उसे प्रॉपर्टीज पैनल में स्टोर करते हैं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, की फ्रेम्स आर रिप्रेजेंटेड बाई अ सॉलिड ब्लैक डॉट ऑन द टाइमलाइन, मीन्स की फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइमलाइन पर सॉलिड ब्लैक डॉट बना होता है, ट्रू। ओके, सी नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फ्रेम, आप फ्रेम से क्या समझते हैं। आंसर, अ फ्रेम इज अ सिंगल पिक्चर इन द सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। ओके, मीन्स सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स में से सिंगल पिक्चर को फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म इंस्टेंस, इन इंस्टेंस इज द कॉपी ऑफ अ सिंबल ऑन द स्टेज, मीन्स सिंबल की एक कॉपी को कहते हैं इंस्टेंस, जो कि स्टेज पर होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर सिंबल्स, नेम द टाइप्स ऑफ सिंबल्स, ए सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट, एक सिंबल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और वो ग्राफिक्स, बटन या मूवी क्लिप हो सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टाइमलाइन, टाइमलाइन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, टाइमलाइन इज द एरिया वेयर द सिक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अ मूवी फॉर क्रिएटिंग द एनिमेशन इज डन, मीन्स टाइम लाइन पर ही हम ऑब्जेक्ट्स या जो ग्राफिक्स होते हैं उनकी सिक्वेंसिंग करते हैं और उनकी टाइमिंग सेट करते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम एंड की फ्रेम, अ फ्रेम इज अ सिंगल पिक्चर इन द सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। ओके, आप जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स में से कोई सिंगल पिक्चर जो होती है उसे फ्रेम कहते हैं, जबकि की फ्रेम एक स्पेशल फ्रेम होता है जो एनिमेशन में मार्क्स करता है पॉइंट पर जहां से कंटेंट में चेंजेस आता है। ओके, व्हाट इज ट्विनिंग, ट्विन कम्स फ्रॉम द वर्ड इन बिटवीन। ओके, ट्विन जो वर्ड है वो इन बिटवीन वर्ड से आता है। थ्रू ट्विनिंग यू कैन गो फ्रॉम वन की फ्रेम टू अनदर की फ्रेम एंड स्पेसिफाई चेंजेस इन द एनिमेशन, मीन्स ट्विनिंग के द्वारा आप एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पर जा सकते हैं और चेंजेस को फिक्स कर सकते हैं। इट इज यूज व्हेन यू नीड टू चेंज द शेप और पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स इसकी जरूरत तब होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप या पोजिशन को चेंज करना चाहते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम्स में। ओके, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन ट्विन एंड शेप ट्विन, मोशन ट्विन इज अ टाइप ऑफ एनिमेशन वेयर यू स्पेसिफाई द बिगिनिंग एंड एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स मोशन ट्विन में आपको ऑब्जेक्ट के बिगिनिंग और एंड पोजिशन को स्पेसिफाई करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इंटू अ सिंबल बिफोर अप्लाइंग मोशन ट्विन, मीन्स मोशन ट्विन को अप्लाई करने से पहले जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट कर लें, जबकि वेयर एज शेप ट्विन इज अ टाइप ऑफ एनिमेशन व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंटू एनदर ऑब्जेक्ट, जबकि जो शेप ट्विन है वह ऐसा एनिमेशन है जो एक शेप को दूसरे शेप में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इट डज नॉट वर्क इफ ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इंटू सिंबल और इज ग्रुप्ड, यदि आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप किए हैं या फिर उसे सिंबल में चेंज कर दिए हैं तो आप शेप ट्विन का यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन यू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इंटू अ सिंबल, एक ऑब्जेक्ट को सिंबल में आप कैसे चेंज कर पाएंगे, उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, फिर आप चूज मेनू में जाइए, मॉडिफाई को आप चूज करिए और फिर वहां पर कन्वर्ट टू सिंबल,
ऑप्शन को चूज करिए या फिर आप डायरेक्टली एफ एट की प्रेस कर दीजिए, ओके। और फिर वहां पर आपको उस सिंबल का नेम इंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा, वहां पर आप सिंबल का नेम इंटर कर दीजिए और फिर उसका बिहेवियर आप चूज करिए, ओके। और फिर आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट कर पाएंगे, ओके। स्पेसिफाई द ट्विनिंग टू बी अप्लाइड टू द फ्लोइंग एनिमेट सिक्वेंस, राइट मोशन ट्विन और सेफ ट्विन, ओके। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया हो, इसको आप रीड करिए और उस सिचुएशन समझिए कि उस पर मोशन ट्विन अप्लाई होगा या सेफ ट्विन, ओके। देखिए, ट्रेन मूविंग अलोंग रेलवे ट्रैक, मीन्स रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चल रही है, तो ये किस तरह का ट्विन होगा? इसका आंसर होगा मोशन ट्विन। नेक्स्ट, बर्ड ब्लूमिंग इन टू फ्लावर, मीन्स एक कली है और वो फ्लावर में चेंज हो रही है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? सेफ ट्विन। नेक्स्ट, अ बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर एक बॉल रोल कर रही है, ओके, तो यहां पर क्या होगा? मोशन ट्विन। नेक्स्ट, अ बॉय गेटिंग डाउन द स्टेप्स, ओके, मींस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, तो यहां पर होगा मोशन ट्विन। नेक्स्ट, स्माइलिंग फेस चेंजिंग इनटू क्राइंग फेस, तो यहां पर क्या होगा? सेफ ट्विन, ओके। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सी मनन वांट्स टू शोकेस द फाइल साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, ओके, इट मीन्स बटरफ्लाई के साइकिल केस को वो शो करना चाहता है, जिसमें एग होगा, फिर वो लार्वा में चेंज होगा, फिर वो पूपा में चेंज होगा, फिर बटरफ्लाई में चेंज होगा, ओके, इस प्रोसेस को वो डिस्प्ले करना चाहता है, तो उसे किस तरह की एनिमेशन का यूज करना होगा? उसके लिए यूज करना होगा उसे सेफ ट्विन, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट है, राघव एंड तारा हैड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग यूजिंग एनिमेट, ओके, मीन्स एनिमेट का यूज करके उसे राघव और तारा दोनों को ग्लोबल वार्मिंग पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। दे वर्कड इंडिविजुअली, मीन्स वो दोनों अलग अलग वर्क किए सेम कार्य के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, तारा फाइल साइज वॉज मच स्मॉलर देन राघव फाइल, ओके, मीन्स राघव की जो फाइल है उससे तारा की फाइल काफी छोटी है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि राघव हैज यूज्ड फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इन हिज प्रोजेक्ट, ओके, उसने अपने प्रोजेक्ट में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का यूज किया है, इसलिए उसकी फाइल साइज बड़ी है, और तारा ने ट्विंड एनिमेशन का यूज किया है, इसलिए उसकी फाइल साइज छोटी है, ओके। क्लास, इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।